बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का इन प्रोसेस शो कर रहा था उन सारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, जो की आज के डेट यानी 8 अक्टूबर 2024 से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया और आज ही के डेट में सारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कौन कौन सा स्टूडेंट को आया है, किसको नहीं आया है। साथ में आप लोगों को वेबसाइट पर अभी भी इन प्रोसेस शो कर रहा है तो ये कब तक अपडेट होगा वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। साथ में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्रॉब्लम, तो आप हमसे किस प्रकार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के इस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में रुपया आ गया जिसका मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया में इसका अकाउंट है। उसके बाद देख लीजिए 50,000 क्रेडिट हुआ, हैज बीन क्रेडिट। उसके बाद देख लीजिए इन योर अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया, उसका चार डिजिट जो है लास्ट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सभी चीज दिया गया है। उसके नीचे मुख्यमंत्री बालिका ऑन देख लीजिए 8/10/2024 यानी आज के डेट में बैंक अकाउंट में रुपया इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और लास्ट में देख लीजिए इसका टोटल बैंक अकाउंट में कितना रुपया है वो दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को सारे स्टूडेंट को आज से बैंक अकाउंट में रुपया यानी 8 अक्टूबर 2024 से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। साथ में आप लोगों को जिन भी स्टूडेंट का अगर अभी तक नहीं आया है तो आप लोग इंतजार करेंगे, कल तक सारे स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों को सारे स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा। साथ में आप लोगों को अभी भी स्टेटस इन प्रोसेस ही दिखाई देता होगा लेकिन सारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेटस अपडेट होने में 24-48 घंटा का समय लगेगा तो आप लोगों को अभी स्टेटस से पता नहीं चलेगा। आप लोगों को पता कैसे चलेगा, आपके जो भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आप लोगों को बैंक में रुपया जो 50,000 क्रेडिट हुआ है वो आप लोगों को मैसेज आ गया होगा नंबर पे, नहीं तो आप लोग फिंगर के सहारे से आप लोग चेक कर, नहीं तो आप लोगों को 24-48 घंटा आप लोगों को इंतजार करना है। आप लोगों का स्टेटस में भी दिखाई देने लगेगा, साथ में आप लोगों को जो है बैंक अकाउंट में रुपया धीरे धीरे सारे स्टूडेंट को भेज दिया जाएगा। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा था, उसका भी बैंक अकाउंट में रुपया क्रेडिट कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूं, इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। साथ में इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।